तो आइए भाव जगत में विश्वास को और गति प्रदान करें। घटना तो कुछ सदियों पहले की ही है कि जब मेहता नरसिंह कृष्ण भक्ति के भाव में लीन रहते थे, उन्हें कृष्ण की भक्ति के सिवाय और कोई काम नहीं सूझता था। वो अपने बड़े भाई के परिवार के साथ रहते थे। जब मेहता नरसिंह कोई काम काज नहीं करते थे तो परिवार में उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता था। उनके बड़े भाई भी नरसिंह जी के अकर्मण्यता पर आए दिन कुपित होते रहते थे, किंतु मेहता नरसिंह अपने कृष्ण के स्मरण में इतने खोए रहते थे कि इन सभी प्रताड़नाओं का उनके मन मस्तिष्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इन सभी घटनाओं के चलते गांव एवं समाज भी उन्हें सताने लगा। इसके उपरांत भी नरसिंह जी अपना जीवन अपने इष्ट को समर्पित कर भाव में लीन रहते थे। एक दिन मेहता नरसिंह जी को उनकी भाभी ने एक ऐसा ताना मारा कि वो सहन नहीं कर पाए। भाभी ने कहा, बड़े भक्त बने फिरते हो, भक्ति का आडंबर करते हो, गांव समाज को मूर्ख बनाते हो, किसी और का कमाया हुआ खाते हो। यदि तुम्हारा ईश्वर के प्रति समर्पण है तो उन्हें क्यों नहीं कहते कि वो तुम्हारा भरण पोषण करे, तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। बहुत हो गया ये नाटक, यदि इतनी ही तल्लीनता एवं तुम्हारा विश्वास है तो उन्हीं के पास रहो और उनसे ही अपनी आजीविका चलाओ। इस घर का त्याग कर दो, निकल जाओ इस भवन से, देखती हूँ तुम्हारा परमात्मा कितने दिन तुम्हारा वहन करता है। नाच गान कीर्तन श्रद्धा भक्ति और भगवान के नाम से समाज को बहुत भ्रमित किया है तुमने, चले जाओ यहाँ से। मेहता नरसिंह ने कहा, भाभी आप मुझे जो चाहे कह लो, पर मेरे इष्ट को अपमानित ना करो। जब मेहता नरसिंह की भाभी द्वारा इसकी पुनरावृत्ति की गई तो भगत नरसिंह यह सहन नहीं कर सके और चले मेहता नरसिंह गोपनाथ महादेव की ओर। हृदय में प्रभु का विश्वास लिए, दीनता का भाव लिए, वहां पहुंचकर मेहता नरसिंह ने महादेव के शिवलिंग को अपने आश्लेष में ले लिया और 7 दिन तक महादेव से लिपट कर महादैन्य भाव में चले गए और गाने लगे राग केदार और चले गए महासमाधि में। नीलकंठ महादेव स्वयं प्रकट हुए, नरसिंह जी की महासमाधि अवस्था बोली, हे प्रभु आप स्वयं प्रकट हुए, मैंने आपको कष्ट दिया, मुझे क्षमा करें प्रभु।
पर मैं आपके होने न होने का कोई भी आरोप प्रत्यारोप मुझ पर करे आपको अपयश दे ये मैं सहन नहीं कर सकता। गोपनाथ के प्रांगण में नीलकंठ महादेव की आकाशवाणी हुई। मांगो वत्स, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं, वर मांगो। नरसिंह ने कहा, अब कछ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिर भी यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे भगवान श्री कृष्ण के महारास दर्शन की प्रबल इच्छा है। वृंदावन की भूमि में जहाँ महादेव को भी गोपी का रूप लेकर प्रवेश करना होता है, महादेव ने मेहता नरसिंह को पूर्णिमा तक प्रतीक्षा करने को कहा और पूर्णिमा के दिन गोपनाथ महादेव के प्रांगण में महादेव ने